तो इससे पहले चैनल पे हम लोगों ने देखी स्लाइस से रिलेटेड वीडियोस। इस बार ANQ के कार्ड की अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके बारे में ज़्यादा बातें करेंगे अगर मतलब उस हिसाब में चाहिए होगा तो। क्योंकि देखो ये क्या है, बेसिकली एक वॉलेट है, समझ रहे हो। पाइन लैब्स से एसोसिएशन में है, पाइन लैब्स का आपने बहुत नाम सुना होगा, उसके बारे में देखा होगा, जगह जगह उसकी मशीन्स देखी होंगी POS वाली, और भी ऑनलाइन उसमें अगर आप गिफ्ट कार्ड वगैरह भी लेते हो तो वहाँ भी आपको बहुत जगह पे उसका ये सब मिल जाएगा। तो उसके एसोसिएशन में एक वॉलेट है जो कि आपको एक कार्ड भी देती है, मतलब वॉलेट से लिंक्ड कार्ड। उसमें 1% का आपको रिवॉर्ड मिलता है जो कि आप डिजिटल गोल्ड या बिटकॉइन में ले सकते हो। ये थोड़ा अलग तरह का चीज़ था इसलिए इसके बारे में बात करनी चाहिए। पुरानी कॉन्सेप्ट है, और भी एक दो कार्ड ने ऐसा किया हुआ है, लेकिन खैर ये भी पुराना ही ऐप है। इस पर अभी ऑफर था, ये वन टाइम कार्ड फी, मैं पहले ही बता दूँ अनबॉक्सिंग से ही पहले, नहीं तो लोग बाद में बोलेंगे अरे इतना बेकार का ज़्यादा रुपए था, मैं तो लाइफ टाइम फ्री वगैरह सोच रहा था। तो वैसा नहीं है, इसकी सब्सक्रिप्शन की वन टाइम फी है जो 14.99 रहती है। लेकिन एक छोटा सा ट्रिक है, बहुत ईजी, समझ रहे हो। आप इसमें अकाउंट बना लो और फिर कुछ देर तक कार्ड ऑर्डर मत करो या पेमेंट मत करो, ठीक है। तो आपको 1 से 2 दिन में खुद से ANQ की तरफ से कॉल या ईमेल वगैरह आ जाएगा, और जिस तरह से बड़ी बड़ी बैंक्स के भी कार्ड्स आपको लाइफ टाइम फ्री हो जाते हैं कि सर आप पेड नहीं लेना चाह रहे, ठीक है हम ट्राई करते हैं, आपकी 1 साल की फ़ी माफ़ कर देते हैं, ये माफ़ कर देते हैं वो, वैसा ही कुछ इसमें भी होगा। लाइफ टाइम इसका वन टाइम फ़ी है 1500 रुपीज़, जो कि आपको 500 रुपीज़ ऑफ कर दिए जाएंगे, तो 1000, कभी कभी अच्छा लक हुआ तो आपका 700 ऑफ हो जाएंगे, उस तरह से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। बेस्ट डील जो आपको मिल सकती है वो आपके ऊपर है, आपको जो कॉल करेगा उस रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर भी है, लेकिन आपको लगभग आप समझ के चलो ये 1000 से नीचे में ही मिलेगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं और ये क्यों बेनिफिट है या किसको लेना चाहिए। तो देखो बेसिकली मेरे समझ से पहली बात, जिसको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता है, ठीक है, या क्रेडिट कार्ड मिल ही नहीं रहा है और आप फिर भी कुछ रिटर्न्स चाहते हो, तो 1% का रिटर्न ठीक है। उसके लिए आप स्लाइस भी यूज़ कर सकते हो, वैसे उसमें आपको रियल कैश रिटर्न में मिलेगा और आप उसको फिर बैंक अकाउंट में ले सकते हो। और फिर ये उनके लिए है जिनको ऐसा लगता है, जैसे मैंने तो उसी थॉट से लिया है कार्ड, इसलिए मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि डिजिटल गोल्ड या बिटकॉइन में अगर मैं बाउंटीज़ लूँगा, मतलब रिवॉर्ड्स लूँगा, बाउंटीज़ बोलते हैं लोग, तो अगर रिवॉर्ड्स लूँगा तो हो सकता है उसकी जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट करे, क्योंकि आपको जो बिटकॉइन या डिजिटल गोल्ड मिलता है वो तो ग्राम्स में, और बिटकॉइन तो 0.00 में मिल जाएगा। उसके बाद उसकी जब वैल्यू चेंज होगी तो शायद आपको फ्यूचर में बेनिफिट हो सकता है, समझ रहे हो। मतलब उतना लंबा गेम है लेकिन इग्नोर करना है, ठीक है। तो सॉरी बॉक्स उल्टा था, बॉक्स कुछ इस तरफ से आया है, ANQ की यहाँ ब्रांडिंग है और ये वो स्लाइडिंग वाली टेप लगी हुई है, आप इसको डायरेक्ट फाड़ भी सकते हो या ये भी जो भी, और ये 42 लिखा हुआ है, ठीक है। द आंसर टू द अल्टीमेट क्वेश्चन द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा बाद। और ये जो है, खैर नोटिफिकेशंस ऑफ रखने पे भी ऐसे नोटिफिकेशंस नहीं आते, लेकिन आप जैसे कुछ काम करने जाओगे तो आपके नोटिफिकेशंस आने लगेंगे। खैर कार्ड एक्टिवेट करके भी दिखाऊंगा, बहुत इजी प्रोसेस है, ठीक है। तो इस बॉक्स को खोलते हैं और यहाँ भी आप देख सकते हो ये स्लीक सी ब्रांडिंग है, काफ़ी स्लीक डब्बा है, कुछ नहीं है, सिर्फ ANQ की ब्रांडिंग। और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फ्लैप है, मैग्नेटिक फ्लैप आप जैसे ही उठाओगे तो आपको यहाँ पे ANQ यू हैव अराइव्ड एक्सपीरियंस द चेंज और ये एक्स बना हुआ है, ठीक है। इसके प्रोडक्ट का नाम है एक्स कार्ड, इसीलिए वो एक्स बना हुआ है, समझ में आ रही बात, ठीक है। यहाँ ये पुल फ्लैप है, यहाँ पे अब इसको कैसे दिखाऊँ, खैर इसमें इंडिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, अगर आपको समझ आती है तो थोड़ा सा देख लो, अपनी लैंग्वेज देख लो, ढूंढ लो। आप जैसे ही ये टैब पुल करते हो वैसे ही आपका कार्ड बाहर आ जाता है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, पेपर वगैरह तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, वैसे भी वॉलेट कार्ड के लिए क्या पेपर्स, क्या टर्म एंड कंडीशंस, डायरेक्ट समझो 1% का ये कार्ड है, रुपए बेस्ड है, कॉरपोरेट लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको वाईफाई का टैप एंड पे ऑप्शन मिल जाता है, और पीछे मैं अगर बताऊं तो कार्ड नंबर वगैरह होंगे, हाँ भाई
पीछे सारे कार्ड नंबर वगैरह हैं, वैलिडिटी डेट है, CVV वगैरह है। और इसके साथ पाइन लैब्स, अगर आपको ये देखना था कि पाइन लैब्स का कहाँ पे वो दिया हुआ है, तो ये देखो पाइन लैब्स, फोकस नहीं हो रहा यहाँ ऊपर, तो कार्ड नंबर है। खैर हो जा भाई, ये देखो पाइन लैब्स, ठीक है, रिलोडेबल कार्ड है, इशूड बाय पाइन लैब्स ANQ की तरफ से। अब बात करते हैं एक्टिवेट कैसे करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐप ओपन करनी है अपनी ANQ वाली, और यहाँ पे आप देख पाओगे कि ट्रैक कार्ड का ऑप्शन होगा, ठीक है। अब जैसे ही ट्रैक कार्ड पे क्लिक करोगे, वैसे ही आ जाएगा हियर बाय एक्नॉलेज रिसीव्ड अब तक कार्ड, मतलब आप ये कंफर्म कर रहे हो कि आपको अपना कार्ड मिल चुका है। तो इस पर क्लिक करेंगे, कंफर्म एंड एक्टिवेट कार्ड पे क्लिक करेंगे, शायद पिन बनाने बोले, एक सेकेंड। हाँ तो पिन बनाने तो ये बोल रहा है, तो जल्दी से मैं इसमें एक पिन डाल देता हूँ। और पिन डालते ही ये जो कार्ड है वो, अच्छा ठीक है, अब इसको OTP भी चाहिए, होपफुली सेल्फ रीड कर लेगा, लेकिन 146034। उसके बाद तुरंत आपको मैनेज कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, आप लिमिट क्या सेट करना चाहते हो, मैक्सिमम करके छोड़ दो क्योंकि तो वॉलेट कार्ड है, आप अपने वॉलेट के हिसाब से ही उसमें ये करोगे, समझ रहे हो, पैसे भरोगे। टैप एंड पे ऑन करना है ऑफ करना है आपके ऊपर है, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर दो। ये ऑनलाइन और POS पे ही बस यूज होगा, आप इसे कैश वगैरह नहीं निकाल सकते। चलो फिर ये इंटरफेस देखना है तो देख लो, यही वॉलेट है, फिर फोकस नहीं हो रहा आज। खैर यहाँ वॉलेट है बोल रहा हूँ तो मान लो, इससे आप रीलोड कर सकते हो, आप UPI से ही पेमेंट कर सकते हो, मतलब UPI से रीलोड कर सकते हो, समझ में आई बात। चलो फिर इतना ही रखते हैं, कार्ड का एक और लुक देख लो, सही है, चलो फिर बाय।